बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम डेप्थ फर्स्ट सर्च कहलाता है, जिसके अंदर हम किसी भी नोड को एक्सप्लोर करते हुए पहले उसके जितने भी चाइल्ड हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद जो है उसके सिबलिंग्स को एक्सप्लोर किया जाता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब को हमने जो है वाइट कर दिया और प्रीडिसेसर को निल कर दिया। टाइम नोट कर लिया हमने ज़ीरो, डिस्कवरी टाइम नोट करेंगे हम कि किसी कोई नोट जो है स्टार्ट कब हुई और इसकी डिस्कवरी स्टार्ट कब हुई और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कब हुई और फिनिश कब हुई। अब हर वर्टेक्स को प्रोसेस करेंगे हम, देखेंगे अगर इसका कलर वाइट है तो हम उस पर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट DFS विजिट अप्लाई कर देंगे। DFS विजिट में हम क्या करेंगे, उसका टाइम बढ़ा देंगे। डी टाइम जो है डिस्कवरी टाइम जो है नोट कर लिया हमने, कलर उसकी ग्रे कर दिया, और उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनमें से अगर कोई भी वाइट है तो हम जो है उस पर दोबारा डेप्थ फर्स्ट लगा देंगे। यानी अगर किसी भी नोड का सक्सेसर एडजेसेंट नोड वाइट है तो हम उस नोड को फिर एक्सपेंड करेंगे, उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट लगा देंगे। करंट नोड की प्रोसेसिंग उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि उसके एडजेसेंट नोड की प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए। उसके ऊपर हमने डेप्थ फर्स्ट लगाया और साथ साथ उसका प्रीडिसेसर नोट कर लिया। जब डेप्थ फर्स्ट लगेगा उसके बाद जो है जब इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ब्लैक हो जाएगा और उसका फिनिशिंग टाइम नोट कर लिया जाएगा। तो चलते हैं ज़रा इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यू से स्टार्ट किया, यू को हमने ग्रे मार्क कर दिया। अब यू के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको हमने देखा, हमारे पास एक्स है और वी है। अब वी को प्रोसेस करने हम गए तो वी का जो डिस्कवरी टाइम है वो 2 हो जाएगा और वी के जितने भी चिल्ड्रन हैं हमें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वी को हमने ग्रे मार्क कर दिया लेकिन वी की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। वी के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको प्रोसेस करने गए, चिल्ड्रन कह लें या एडजेसेंट नोड कह लें, यहाँ पर वाई है, वाई को प्रोसेस करने गए। जब वाई को प्रोसेस करने गए तो वाई के जितने एडजेसेंट नोड्स हैं, यहाँ पे यू से हम वी पे गए थे, वी से वाई पे गए थे और वाई से हम एक्स पे आ गए। एक्स पे जाके हमारे पास डिस्कवरी टाइम 4 हो गया, एक्स की प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, एक्स को हमने मार्क कर दिया ब्लैक, एक्स को ब्लैक मार्क किया। अब एक्स से हम बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि एक्स की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है एक्स से पहले जहां पर थे हम वहां पे जाएंगे, वाई पे थे वहां पर आए हम, वाई को ब्लैक मार्क कर दिया। वाई से पहले हम कहां पे थे, वी पे थे, वी को ब्लैक मार्क कर दिया। वी से पहले हम यू पे थे, यू से हम एक्स पे गए, यू से हम वी पर गए थे, अब यू से हम एक्स पर आएंगे। लेकिन एक्स पहले ही हो चुका है, एक्स जो है वाइट नहीं है, अब ब्लैक हो चुका है, तो हम एक्स को छोड़ देंगे और यू की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, ये सारे मार्क हो गए ब्लैक। अब जब हम इसको कंप्लीट कर लिया हम अगली नोड को पिक करेंगे। ये एक डेप्थ फर्स्ट का एक ट्री बन गया। दूसरे ट्री के लिए हम जो है W पे आएंगे, W हमारे पास रह गया था, W से हम जो है W के एडजेसेंट नोड पे जाएंगे, Z के ऊपर, Z ब्लैक मार्क हो जाएगा। Z ब्लैक मार्क हो गया तो उसके बाद फिर W ब्लैक मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी नोड के चाइल्ड को प्रोसेस करेंगे या एडजेसेंट नोड को प्रोसेस करेंगे, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होगा हम आगे नहीं चल सकते। जब हम चाइल्ड नोड को या एडजेसेंट नोड को प्रोसेस करने जाएंगे तो हमें हो सकता है कि उसके फर्दर एडजेसेंट नोड को प्रोसेस करना पड़े। जब उसको प्रोसेस करने जाएं उसके फर्दर एडजेसेंट नोड को प्रोसेस करना पड़े। जब हम प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे, हम जहां पर थे
उसके बाद उसकी नेक्स्ट नोड को प्रोसेस करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बैक ट्रैक करेंगे, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। और ये बात याद रखिएगा, डेप फर्स्ट सर्च के अंदर हमारे पास आपको एक ट्री नहीं मिलेगा बल्कि कई ट्रीज मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये फॉरेस्ट है।